नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली खबरों पर। भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ की अहिल्या का कुछ दिन कबल इंतकाल हो चुका था, जिस पर आज रुकना संभली मुदौल जी विटर रेड्डी ने काशीनाथ के रिहायशगाह पहुंचकर मुलाकात करते हुए अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर टोटा रामू जनरल सेक्रेटरी, सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा टाउन वेणुगोपाल, राजन्ना MPP तानूर के अलावा दिगर TRS कायदीन मौजूद थे। मरकजी सतह पर कांग्रेस जिला यूथ सदारत के चुनाव का अमल मुनाकिद किया जा रहा है। इसी जिमन में एक जिले वफद भैंसा पहुंचकर मोहम्मद अब्दुल लतीफ अखिलती सेल जिला सेक्रेटरी की जेर सदारत कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल लतीफ मुदल तालुके के नौजवानों से अपील की कि वो जिले उम्मीदवार मोहम्मद इमरान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं, और साथ ही मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में दोनों हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से तालीम याफ्ता नौजवान भजिए तलने और फ्रूट बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और अवाम के तयकुन दिलाया कि अगर कांग्रेस हुकूमत दोबारा इख्तदार पर आती है तो हालात ऐसे रोनुमा ना होंगे। इस मौके पर मुदल यूथ सदर की हैसियत से मुंतखब होने वाले साइनात को शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। भैंसे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। आज प्रेस मीट लगाने का मकसद हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामराव पटेल साहब की हिदायत पर, हमारे XML महेश्वर रेड्डी अन्ना की हिदायत पर आज कांग्रेस पार्टी भैंसा में एक प्रोग्राम कंपनी प्रोग्राम रखा गया है, जो हमारे निर्मल से आए हुए मेहमान हमारे अजहर साहब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जुनेद मेहमान साहब डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन, और अरशदुद्दीन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, और आए मेरे हमारे टाउन श्रीनु पटनम श्रीनु गारु टाउन सदर, यहाँ आए मेरे तमाम मित्रों सबको आदाब। यहाँ का मकसद क्या है बोले तो आज मीटिंग लगाने का, यूथ कांग्रेस इलेक्शन चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट, एक नौजवानों की दिल की धड़कन, एक अच्छा युवा इमरानुल्लाह खां के रूप में हमने चुना है। तो मैं हमारे निर्मल से आई हुई टीम को आश्वासन दिलाता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की हमारी तरफ से मैं यहाँ से कम 1000 वोट दिलाने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद मैं हमारे मुदुल कांस्टिट्यूंसी के युवाओं से अपील करता हूं, आपके दरमियान एक नौजवान, एक दिलों की धड़कन, एक अच्छा नौजवान जो है हमारे दरमियान में यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है, उसको हम पूरा का पूरा समर्थन देना बोल के मैं गुजारिश करता हूं। और एक दूसरी बात, हमको पूरे युवाओं को मैं फैसे के युवाओं से बल्कि मुदुल कांस्टिट्यूंसी के युवाओं से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग तालीम को जारी रखते हुए, आप लोग अपने मसरूफियात को जारी रखते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर दाखिला लीजिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करिए, रामराव पटेल साहब के हाथ मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के काम करिए, इंसानियत के लिए काम करिए, कांग्रेस पार्टी के काम लिए आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सरजमीन मुधोल के ऊपर कांग्रेस का परचम लहरेगा, बल्कि तेलंगाना रियासत के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहरेगा, बल्कि मैं एक आश्वासन दिलाता हूँ। हमारे इस भैंसे के कांग्रेस पार्टी के सदर श्रीनिवास साहब और माइनॉरिटी सेल निर्मल जिला जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ साहब और हमारे निर्मल डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन जनाब जुनेद साहब मेमन, और हमारे सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर अरशद साहब, और हमारे हैदराबाद से इस यूथ इलेक्शन बॉडी की कैंपेनिंग के लिए तरबियत देने के लिए आए हैं मधु साहब। आज भैंसा आने का मकसद एक ही है, कांग्रेस पार्टी की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में यूथ प्रेसिडेंट्स
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन चल रहे हैं और हमारे माजी MLA जनाब महेश रेड्डी साहब के अहकाम और हमारे DCC प्रेसिडेंट जनाब रामाराव साहब के अहकाम से हम पूरे निर्मल ज़िले का दौरा कर रहे हैं। कल खानापुर पहुँचे, वहाँ पर भी 18 साल से लेके 35 साल की उम्र के नौजवानों को ऑनलाइन हमने वोट दिलवाया, वहाँ पर कैंपिंग की और उसके बाद आज यहाँ भैंसा पहुँचे। भैंसे के अंदर हमारे सिनवा साहब की सदारत और लतीफ़ साहब की सदारत में यहाँ कैंपिंग चला रहे हैं, यहाँ के भैंसे के नौजवानों को ऑनलाइन वोट करा रहे हैं। ये सिर्फ मकसद ये है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जनाब इमरानुल्लाह साहब है, उनकी ताईद में हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ से भैंसा से निकलकर मुदल, कुबीर और बासर जाएंगे, वहाँ पर भी कैंपिंग लगाकर वहाँ पर भी कई लोगों को मेंबरशिप बनाकर उनके ऑनलाइन वोट्स लेंगे और इसी तरह से ये काम 19 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, ये दिल्ली से रिजल्ट आएगा इसका। इसी सिलसिले में हम ये काम कर रहे हैं। खुदा हाफिज़। ज़िले निर्मल में वज़ीर जंगलात इंदिरा कैनेडी के हाथों 167 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चक्की तकसीम अमल में आई। ज़िले निर्मल के वडियाल गांव में वज़ीर जंगलात इंदिरा कैनेडी के हाथों 167 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चक्की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इंदिरा कैनेडी ने खिताब करते हुए कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी इमदाद से कुछ हद तक गरीब अवाम में राहत महसूस हो रही है और साथ ही मुख्तलिफ सरकारी स्कीम और डबल बेडरूम वज़ायफ़ और किसानों को फराहम किए जाने वाले सहूलियात पर रोशनी डाली। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से 12,500 क्यूसिक पानी का अखराज। मुख्तलिफ इलाकों में हो रही मुसलसिल बारिश के पेश नज़र श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सत्याब में इजाफा देखा गया। पानी खतरे की घंटी को छूने पर कुछ दिन कबल ही 4 दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज किया गया था और आज दोबारा पानी के इजाफे पर 4 दरवाज़ों को 4 फीट उठाते हुए 12,500 क्यूसिक पानी का अखराज किया गया। हमारा सहारा यूथ की कामयाब नुमाइंदगी और अवामी खिदमात का सिलसिला जारी। कोरोना वबा के पेश नज़र हर तरफ कोरोना का खैर जारी है। दासा सुधाकर जो ज़िले सिद्दीपेट के कोकोरना पिल्ली पुलिस स्टेशन में बाहसिया सब इंस्पेक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन कबल कोरोना बीमारी मुब्तला होने के बाद सहद याब होकर वापस हो चुके थे। इस तरह हमारा सहारा यूथ की जानिब से अपील करने पर इन्होंने हैदराबाद के सुप्रजा हॉस्पिटल पहुँचकर अपना बी प्लाज्मा का अतिया करते हुए एक मरीज की जान बचाई, जिस पर हमारा सहारा यूथ के बानी शेख रशान और ज़िले सेक्रेटरी वाजिद अली ने अपने तंजीम के हमरा सिद्दीपेट पहुँच कर शालपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया। निर्मल जिला मुदन मंडल गनोरा ग्रामानिक चेंदिनटुवंटि एसएस सुधाकर गारिकि प्रत्येक अभिनंदन तेलियजेस्तुन्नामु। करोना नुंचि जयंचि ఇప్పుడు కోరుకున్నారు మరియు నిర్మల్ జిల్లా సహారా యూత్ ప్లాస్మా కావాలని ఒకే ఒక్క విజ్ఞప్తి మేరకు విజ్ఞప్తి కోరగా వెంటనే స్పందించి ఆదిలాబాద్ చెందినటువంటి పేషెంట్కు వెంటనే హైదరాబాద్ వెళ్ళి తన ప్లాస్మా అమూల్యమైన ప్లాస్మాని ఇచ్చి ఒక కరోనా పేషెంట్ను ఆదుకోవడం జరిగింది। ప్రాణాలతో ఇప్పుడు వారు కోలుకున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి ధైర్య సాహసం చేసినటువంటి ఎస్ఐ సిద్దిపేట ఎస్ఐ గారికి మేము ప్రత్యేకంగా సహారా యూత్ నుంచి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు సిద్దిపేటకు వచ్చి కలవడం జరిగింది। మీలాంటి ఎస్ఐ గారు మాకు సపోర్ట్ చేయడం మరియు మీరు స్వచ్ఛందంగా రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఈ కరోనా సందర్భంగా మీరు అందరూ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ప్లాస్మా దానం చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము। ज़िले जगत्याल में दिन ब दिन कोरोना मौजूद मरीजों में बेतहाशा इजाफा। आज ज़िले जगत्याल के अलावा मेटपिल्ली करोटला के सरकारी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रैपिड टेस्ट अमल में आया, जिसमें मौजूद मरीजों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। जगत्याल में
53 अफराद का कोरोना रैपिड टेस्ट किया गया जिसमें 4 अफराद मुस्बित साबित हुए। मेटपल्ली में 50 अफराद का रैपिड टेस्ट किया गया जिसमें 10 अफराद मुस्बित साबित हुए। इस तरह कोटला में 57 अफराद का रैपिड टेस्ट किया गया जिसमें 9 अफराद मुस्बित साबित हुए। मेटपल्ली से हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।